पूर्व सदर सांसद प्रतिनिधि स्वर्गीय बालकृष्ण बजाज की 12वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में आने के कारण ब्लड बैंक में रक्त की कमी की भरपाई किया जाना था। जिसके संबंध में दुर्गेश बजाज ने बताया कि जो लोग बीमार हो जाते हैं और जब खून की आवश्यकता पड़ती है वो सबसे कठिन क्षण होता है, जब डॉक्टर कहता है कि खून की व्यवस्था करिए। इसी समस्या को देखते हुए बालकृष्ण बजाज सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने तथा अन्य सहयोगियों ने मिलकर रक्तदान किया और कोरोना से लड़ने का संकल्प लिया। इस मौके पर गुरु गोरखनाथ ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 में जनमानस रक्त की कमी से जूझ रहा है, ऐसे में स्वर्गीय बालकृष्ण बजाज की पुण्यतिथि पर रक्तदान कार्यक्रम के द्वारा कुछ हद तक रक्त की पूर्ति होगी, इसके लिए संस्था को धन्यवाद दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दुर्गेश बजाज और ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर अवधेश अग्रवाल ने कहा, दुर्गेश बजाज आज मेरे पिता स्वर्गीय बालकृष्ण बजाज जी के बारे में पुण्यतिथि है। चूँकि कोरोना महामारी की बीमारी से पूरा देश जूझ रहा है, इसके निमित्त काफ़ी समस्या का सामना अन्य बीमारी के लोगों को करना पड़ा है, जिससे रक्त की कमी हो रही थी, तो एकाएक मन में विचार आया कि क्यों ना पिताजी के पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का एक आयोजन कराया जाए, जिससे को देखते हुए एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और हमारे सभी सहयोगियों ने उसमें सहयोग किया और उस माध्यम से रक्त शिविर का एक आयोजन किया गया। यह पूरा विश्व संक्रामक महामारी से जूझ रहा है, कोविड या कोरोना, और इसके उपाय के लिए लॉकडाउन कराया जा रहा है पूरे विश्व में, यहाँ भी हो रहा है और ये अब चौथा लॉकडाउन हमारे यहाँ है। लॉकडाउन के सबसे प्रभावशाली है कि रोगों का संक्रमण बहुत कम फैल रहा है, ये लाभ तो हुआ, लेकिन बहुत सारे इसके नुकसान हुए जो कि दीर्घकालिक हैं। आर्थिक स्थिति पर ये आप सब देख रहे हैं, वित्तीय जो हमारी स्थिति है वो सब चरमरा रही है, पूरी जगह चरम रही। एक उसमें से जो हमारा कंसर्न है वो ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में भी रक्तदाता नहीं आ पा रहे हैं, या तो वो भय के मारे नहीं आ रहे हैं या उनको रोक दिया जाता है, लॉकडाउन की स्थिति में आने नहीं दिया जाता है, परंतु यहाँ पे रक्त लेने वाले तो बराबर आ ही रहे हैं, रोगी तो हैं ही, उन्हें रक्त की आवश्यकता है ही और रक्त की आपूर्ति हम कर रहे हैं, लेकिन रक्तदाता ही नहीं होगा तो कहाँ से रक्त देंगे। इसलिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए, जनता से बार बार मीडिया के माध्यम से भी अपील किया कि यहाँ पे रक्तदान आप आकर स्व रक्तदान करें, और हमने कुछ ये इस तरह के रक्तदान शिविर भी आयोजित किए। मैं अभी 3 दिन पहले मंदिर में बैठा था, महाराज जी आए थे और हमारे चिकित्सालय के हम 4-5 अधिकारियों की बैठक, एक अनौपचारिक बैठक थी, उसमें मुझे दुर्गेश बजाज जी ने मुझसे ये बात कही कि डॉक्टर साहब, हम एक अपने पिताजी के पुण्यतिथि पे स्वर्गीय बजाज जी हम लोगों के बड़े आदरणीय थे, हम सब के बड़े पूजनीय थे और हम लोगों के लिए बड़े सहयोगी के रूप में उन्होंने किया। उनके जाने के बाद हम लोगों को भारी क्षति हुई, जिसकी भरपाई तो पूरी नहीं हो पाई, फिर भी दुर्गेश ने उनकी जगह पर लेकर हम लोगों को बड़ा सहायता किया है और आज का यह रक्तदान शिविर आयोजित करके उन्होंने एक ब्लड बैंक पर उपकार किया है, क्योंकि अब इस रक्तदान के बाद हमारे पास प्रचुर मात्रा में रक्त उपलब्ध होंगे और हम रोगियों को इसकी आपूर्ति कर सकेंगे। मैं दुर्गेश बजाज को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।